जब श्री राम चौहान रात्रि को जो है चौकी पर तख्ता पर जब सोए हुए थे, जब हत्यारे आते हैं उनके सिर में एक गोली फायर करते हैं तो गोली आर पार होकर दीवार में हिट करती है। गोली चलती है तो पूरा आवाज़ भी होता है, एक भड़कता हुआ तड़कता हुआ आवाज़ होता है। मगर ये व्यक्ति जो हैं पैर से विकलांग हैं, वहीं पर भी बगल में एक चारपाई पर भी सोए हुए थे। क्या आपको कुछ जानकारी हुआ? नहीं सर, मुझे जानकारी नहीं हुआ था। अच्छा, कुछ भी नहीं लगा? कुछ नहीं, सोया था, पूरा सोया हुआ था। अच्छा, गहरी नींद में आप? हाँ, गहरी नींद में सोए थे, प्रधान भी सोए थे, दोनों लोग। अच्छा, हम लोग। आवाज़ हुआ जब? नहीं, मुझको नहीं सुनाई दी आवाज़। अच्छा, बाद में सुबह में प्रधान जी मुझे जगाई। अच्छा, हाँ, तब पता चला। अच्छा, आपको कुछ महसूस हुआ, कुछ आपको कोई सुहाया गया हो कुछ? अच्छा सर, ऐसा कुछ तो मतलब सर भारी लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं नशा पाता करता नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, समझ आपको नहीं लग रहा था कुछ भारी कुछ, या फिर आपके साथ कुछ हुआ था आपके साथ? तो पता था कुछ आपको सुहाया गया हो, कुछ आपको दिया गया? मालूम नहीं उतना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है जब गोली चली है। अच्छा, हाँ, आपको एक बार भी उनकी आहट का पता नहीं चला? नहीं नहीं। अच्छा, हाँ। अच्छा, रोज आप पास सो रहे थे? रोज मैं 4-5 महीने से इधर सो रहा था। अच्छा, हाँ। कोई दवा सुहाई गई कुछ आपको? मुझे आभास नहीं, तो आप कैसे बताऊँ? अच्छा, हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो है दरवाजा कुछ आए हैं, कुछ आवाज किए होंगे? नहीं, मैं सोया था, मुझे पैर का कोई निशान वगैरह कुछ, चप्पल वगैरह कुछ निशान, मिट्टी उट्टी कहीं लगा हो कुछ? नहीं, मैं तो ध्यान नहीं दिया उसको। हाँ। अच्छा, आप लोग अकेले ही सो रहे थे, अलग अलग? अलग अलग, जैसे प्रधान जी अलग थे, मैं अलग था। अच्छा, हाँ। देख सकते हैं ये जो व्यक्ति हैं प्रधान जी के जस्ट बगल में ही सोए थे, इनको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि इनको कुछ दवा दिया गया, इनको कुछ सुहाया गया, कि इनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर बंदूक चली है। जबकि पूरे गांव में बात हल्ला हुई है कि जब बंदूक चली है तो एक बड़ा आवाज़ इस गांव में हुआ, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि बंदूक चला है। मुझे तो नहीं मालूम हुआ, गांव वालों को मालूम हुआ होगा। हाँ, मुझे नहीं तो कह रहे हैं गांव पूरा। हाँ, मुझे नहीं मालूम हुआ, मैं पास में सोया था। अच्छा, अगर मालूम होता तो मैं प्रधान जी तुरंत हल्ला करता ना। हाँ, सुबह मुझे प्रधान जी जगाई। अच्छा, हाँ। तो कौन हो सकता है इन सब के पीछे? अरे, उनकी रंजिश पूर्व वर्तमान प्रधान जी से थी। अच्छा, साल भर से। अच्छा, हाँ सर। अच्छा, वर्तमान प्रधान हो इसमें? हाँ सर। अच्छा, उनसे कुछ बात विवाद था क्या? हाँ, झगड़ा वगड़ा चल रहा था, मुकदमा चल रहा था उनसे। हमने भी सुना है कि वोट की राजनीति की वजह से हुआ है, चुनाव भी आने वाला है। हाँ, तो चुनाव है तो सब अपना चुनाव लेकर रंजिश लेकर अपना चल रहा है मैटर प्रधान जी से। अच्छा, तो देख सकते हैं कैसे यहाँ पर श्री राम चौहान की जो है हत्या की गई है, और ये परिवार अभी भी बॉडी को रख कर न्याय की गुहार लगा रही है। अब हम आपको उस घटना स्थल पर लेकर आए हुए हैं जहां पर श्री राम चौहान रात्रि को जो है सोए हुए थे, यहीं पर जो है वो सोए हुए थे। यहां पर एक चौकी लगी हुई थी, तख्ता था, और उसी तख्ते पर वो सोए हुए थे। और जो है वो लोग जब दहशतगर्द वो दरिंदे जब आते हैं बंदूक से जब गोली फायर करते हैं तो गोली कहाँ जाती है? गोली सर मतलब इधर से फायर करते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, बंदूक की जब गोली निकलती है, बंदूक की गोली जब निकल के जाती है तो देख सकते हैं इस दीवार को हिट करती है। दीवार में देखिए सुराग बना हुआ है, वहाँ पर जो है गोली हिट करती है। तो देख सकते हैं कैसे जो है। अच्छा, जब बंदूक से गोली मारे कोई आवाज हुआ बंदूक का? आवाज बहुत तेज, पूरे गांव के लोग सुने थे। अच्छा, पर कोई उठ के नहीं आया। अच्छा, बोले कि हो सकता कोई ऐसी आवाज आई हो। हाँ, सुनने को बहुत औरतें सुनी थी, पर कोई पटाखा उटाखा दगा? हाँ, मतलब सब लोग सुने थे। हाँ, जो लोग जग रहे थे सब लोग सुने थे। अच्छा, पर कोई उठा नहीं था। यहाँ पर एक लोग सोए भी थे, उनको इतना भी नहीं था कि यहाँ पर गोली चली, उनको पता कुछ सुहा दिया था कि क्या किया था, लेकिन यहाँ पर उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ बगल पर भी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पे कहीं बंदूक चली है। नहीं हुआ, यहीं पर सोए थे, मतलब गोली चली लेकिन यहाँ इनको पता नहीं चला। सुबह हमारी चाची थी, हमारे चाचा लगते थे, सुबह आई तब जगाई तो इनको भी जगाई। अच्छा, कि मतलब मास्टर उठा देखो क्या हो गया। तब हमारी चाची रोने लगी, तब जनता आई, तब जनता को पता चला। अच्छा, कि ऐसा हाल हो। तो देख सकते हैं उस श्री राम चौहान इस जो है चारपाई पर जो है यहीं पर एक चौकी रखी हुई थी, उसी चौकी पर सोए थे। और जो
जब हत्यारे जो है श्री राम चौहान के सिर में गोली मारते हैं तो गोली आर पार हो जाती है और देख सकते हैं वो फर्श पर टकराती है, और फर्श पर टकराने के बाद जो सामने आपको दीवार दिखाई दे रही है उसी दीवार में हिट कर जाती है। सोचिए वो इतने बेखौफ थे कि सरेआम यहाँ पर सब लोग सोए हुए थे, बगल में भी एक व्यक्ति सोया हुआ था, उसको भी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर बंदूक चली है, यहाँ पर गोली फायर हुआ है। और यहाँ पर गोली चली, यहाँ पर लोगों ने समझा कि कोई आवाज़ हुआ होगा, किसी को भी अंदाज़ा नहीं लगा कि यहाँ पर किसी का जो हत्या हो चुका है, कहीं गोली या बंदूक चल चुकी है। आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? हम चाहते हैं कि अपराधी को पकड़ा जाए, उसे दंड दिया जाए, फांसी दी जाए, और मतलब उसे दंड दी जाए, हमारे जो हमारे चाचा को मतलब हत्या करा है उसको फांसी जरूर से जरूर दी जाए। तो देख सकते हैं अपराधी कितने निडर हैं, कितने दबंग हैं, कितने मणबर टाइप के हैं, कि उनको एक बात भी डर नहीं लगा कि घर में घुसकर गोली मार रहे हैं। सोचिए पूर्व प्रधान भी हैं, और देख लीजिए इतना बड़ा घर है इनकी, एक गांव में अलग ही पहचान है, उसके बावजूद घर में घुसकर पूर्व प्रधान श्री राम चौहान जी को जो है गोलियों से भून दिया गया, उनकी बेरहमी तरीके से जो है हत्या कर दिया गया है। परिवार आज जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला है। अभी आप देख सकते हैं श्री राम चौहान का ये शव अभी भी, हट जाइए आप लोग, श्री राम चौहान का शव अभी भी यहीं पर तख्ता पर रखा गया है, और परिवार कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ना ही बॉडी को जो है अंतिम संस्कार करेंगे, ना ही बॉडी को कहीं भी पुलिस वालों को ले जाने देंगे, क्योंकि परिवार चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। अच्छा, आप लोगों ने क्या सुना माता जी यहाँ पर? हमारा भाई घर से आएगा, यहाँ हमको कुछ मालूम नहीं, हम तो वही आया है, ये सुना को ही मारा है। अच्छा हाँ, और हमको जानकारी नहीं लगता है ना, नहीं मिलना चाहिए इस परिवार को, तो न्याय मिलना चाहिए ना। हाँ अच्छा, क्या सुना माता जी आपने? भाई साहब मैंने जो है रिश्तेदार से आई हूँ, मेरा मायका भी यहाँ है, मतलब हम तो दोनों मतलब हम किसी की पार्टी में नहीं चलेंगे, ये रिश्तेदार भी है, हमारे बड़े पापा भी हैं। अच्छा, मैं सुनी सुबह में आई तो ये जो है जिसके घर से रिक्स रहेगा उसी को कहेगा, वो यहाँ कर यहाँ हाथ भी जोड़ कर गया था, मरने के बाद उनके पीछे हाथ जोड़ कर गया कि फिर यहाँ से वो भगाया गया, तुरंत जाके थाने में दर्ज हो गया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हत्या हुई है तो इस परिवार को न्याय तो मिलना चाहिए ना जी? न्याय नहीं मिलना चाहिए, कुछ फांसी की सजा देनी चाहिए। आज इसके परिवार को किया, कल किसी और को किया, धमकी दे रहा है कि तीन लोगों को मारेंगे, इतना बड़ा गांव है किसको किसको मारेगा, नाम नहीं खोल रहा है। अच्छा, डायरेक्ट धमकी दे, तीन लोग मार देंगे? तीन लोगों को मारेंगे अभी। अच्छा। तो गांव वाले हैं, सब लोग डर रहे हैं अभी किसको किसको गोली मारेगा, यही बात है। तो देख सकते हैं गांव समाज के तमाम लोग हैं, चाहते हैं इस परिवार को न्याय मिले और उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। साहब उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार है, और कहते हैं योगी जी की सरकार में तुरंत कार्रवाई होती है, मगर यहां पर दिन दहाड़े बंदूक से जो है गोली चलाकर श्री राम चौहान जो कि पूर्व प्रधान है उनकी हत्या कर दी गई है, मगर अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही इस परिवार को न्याय मिला है। तो तब तक के लिए बने रहिएगा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।